आप लोगों को याद होगा पिछला चैप्टर हमने कर लिया है ना। अब अगले चैप्टर पे हम बढ़ रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा बेटा, ठीक है, पूरा चैप्टर बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आराम से बताऊंगा, तो इसलिए जिसने पहले नहीं किया वो ध्यान से देख ले। वैसे तो कर ही रखा होगा आप लोगों ने ज़्यादातर ने, ठीक है, कर ही रखा होगा, है ना। आपको मैं एक बात बता दूं कि अभी जो हम पूरा ट्रिग्नो पढ़ने वाले हैं, जो 10th क्लास तक का हमारा सिलेबस होता है बेटा, 10th क्लास तक का जो सिलेबस होता है उसके अंदर जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा जाता है वो पूरा का पूरा ट्राइंगल के ऊपर पढ़ा जाता है, पूरा का पूरा ट्राइंगल के ऊपर पढ़ा जाता है। क्लियर है बात ही? पूरा का पूरा ट्राइंगल यूज़ कैसे होता है इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ट्राइंगल के बारे में आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पहले से मालूम है। जैसे आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ मालूम है जो इसकी साइड से रिलेटेड होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दो साइड का डिफरेंस जो होगा तीसरी साइड से छोटा होगा। तो साइड्स को लेके आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ मालूम है, ऐसे ही इसके एंगल्स को लेके भी आपको प्रॉपर्टीज़ मालूम है बेटा। जैसे कि आप एंगल सम प्रॉपर्टी को जानते हो, आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को जानते हो, तो यानी साइड्स का अपना एक रोल है और एंगल्स का अपना एक रोल है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, वो इन दोनों को कंबाइन करने का काम करता है, दोनों के बीच में एक लिंक बनाने का काम करता है, ठीक है बात ये। ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, दोनों के बीच में लिंक बनाने का काम करता है। क्लियर है बात ये? तो आप वही चीज़ हम देखने जा रहे हैं कि कैसे वो जो किस प्रकार से वो लिंक क्रिएट होता है उसके बारे में ही हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। आज कुछ बच्चे जो लेट क्लास ज्वाइन किया बेटा मैसेज डलने के बाद, कल से 10:30 के बाद किसी को एंट्री करने ही नहीं दूंगा, ये ध्यान रखना, है ना। 10:30 की क्लास है तो आप 10:25 पे आके रेडी रहिए, है ना, 5 मिनट पहले रेडी रहिए, बाद में नहीं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बेटा, तो हम शुरू करते हैं अब इस मामले को, है ना। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डेली लाइफ में जो आप देखते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल से जुड़े हुए, उसको देखते हैं, उस पर बात करते हैं, है ना। वैसे तो बेसिक बेसिक सी बातें हैं, देखिए ज़रा ध्यान से, आपकी एनसीईआरटी के अंदर हैं ये सारी चीज़ें, है ना, ठीक है। कुतुब मीनार को जैसे कोई बच्चा देख रहा हो, देखो, है ना, कुतुब मीनार देखा हुआ, किस किसने देखा हुआ है कुतुब मीनार, जल्दी बताओ, किस किसने कुतुब मीनार को देखा हुआ है, क्या कभी देखा देखने गए हैं आप लोग, जल्दी बताइए, गए हैं क्या ज़्यादातर बच्चे कुतुब मीनार, है ना। तो बिल्कुल देखो, राइट एंगल ट्राइंगल जैसा, बिल्कुल प्रोजेक्शन जैसे, बिल्कुल एक राइट एंगल ट्राइंगल की होती है ना, सेम वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, सेम बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर है, क्लियर। खैर, इन एग्जांपल्स पे हम बाद में भी जा सकते हैं, आप लोग बड़े आराम से बाद में क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी में देख सकते हैं ना। ये देखो पूरा जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपके पास ट्राइंगल्स बनती है, ये देखो जैसे यहाँ पर एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके दिखा दी, सारा है आपके एनसीईआरटी में है। एज सच थ्योरी इतना ये यूज़फुल नहीं है हमारे लिए, है ना, तो स्लाइड्स में डला हुआ तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे काम की चीज़ है उस पर बढ़ेंगे। ये देखिए बेटा जी, ये आपके लिए थोड़ा थोड़ा काम की मतलब बेसिक डेफिनेशन जो भी हम बात कर रहे थे कि द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक वर्ड्स, तीन ग्रीक वर्ड्स, ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है बेटा, थ्री, गॉन का मतलब होता है क्या बेटा, साइड्स, एंड मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है मीनिंग मेजर्स, है ना, साइड्स के साथ ये मेजर करने के लिए, साइड्स को एंगल से हमारे रिलेट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब वो कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करने वाले हैं अभी आगे, ठीक है। चलो, कैसे किया जाता है अभी हम धीरे धीरे बात करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे क्या बोला है इसने, देखो 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 क्या बोला है, वी विल स्टडी सम रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। यही मैंने बोला आपको कि साइड्स को हम किससे जोड़ेंगे, एक्यूट एंगल से जोड़ेंगे, ठीक है। चलो कैसे जोड़ेंगे उस पर मैं आपको बात करता हूँ। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे ले जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एंगल के बारे में और बताना चाहूँगा, ठीक है। इसी पेज पे वापस आके हम लोग थोड़ा सा एंगल्स के बारे में, क्योंकि जब आपको एंगल पता होगा तभी आप ट्रिग्नोमेट्री पे खेल पाओगे। बहुत बेसिक सी बात के साथ शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि मान लीजिए जैसे हम एक ट्राइंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, वेट फॉर अ मिनट, एक राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। और ये याद रखना अभी हमारा सारा काम राइट एंगल ट्राइंगल में ही चलने वाला है ना, फिलहाल हमारा सारा काम राइट एंगल ट्राइंगल में ही चलेगा, 10th लेवल पे जितना भी चलता है, ठीक है। ऑफ कोर्स हम आगे भी बढ़ेंगे, पर जो एनसीईआरटी डील कर रही है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे ही डील कर रही है। ये आपके पास जैसे कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पर बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा क्या होगा, हर टाइम पे वैसे तो जो ए के सामने वाली साइड है ना, कैपिटल ए के सामने वाली साइड, वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड, उसे स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है बेटा। जो सी के सामने वाली साइड है उसे स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है, उसे स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है बुक्स में। और जो बी के सामने वाली साइड होगी ऑफकोर्स उसको आप स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, उसको किससे डिनोट करेंगे बेटा, स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। क्लियर है बात इतनी? ये तो सबसे बेसिक बात है जो स्टार्टिंग होती है उसके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ ए बी सी के बारे में बात होगी, देखिए हम दो तरीके से एंगल पर डील करेंगे। जैसे मान लीजिए जो एंगल है वो यहाँ पर डील किया मैंने, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, इसे बोल देते हैं हम लोग
एंगल थीटा, है ना। ये रिप्रेजेंट कुछ एंगल्स को आप देखेंगे, थीटा है ना, ये होता है फाई, समझ रहे हैं, ये पहले से आप लोगों ने वैसे पढ़े हुए हैं। इसे बोलते हैं थीटा, इसे बोलते हैं फाई, कुछ ग्रीक लेटर्स हैं, अल्फा पढ़ा हुआ है, बीटा पढ़ा हुआ है, गामा पढ़ा हुआ है, डेल्टा पढ़ा हुआ है ना, ये कुछ ग्रीक लेटर्स हैं जिनका प्रयोग ज़्यादातर इस चैप्टर में होता है। मोस्टली थीटा और फाई का यूज़ ही आपको ज़्यादातर दिखे, है ना, थीटा फाई अल्फा इनका यूज़ ज़्यादा आपको दिखे। क्लियर है बेटा, चलो बात करते हैं आगे। जैसे मैंने आपके लिए कहा थीटा, तो इस थीटा के लिए हमेशा याद रखिए जो ट्राइंगल होती है ना, ट्राइंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो इतना क्लियर रखिए कि एसी जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, एसी जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा बेटा, हाइपोटेन्यूज होगा। उसके बाद जो बेस और परपेंडिकुलर होते हैं ना, वो एंगल के हिसाब से बदलते रहते हैं, एंगल के हिसाब से। सर कैसे बदलते हैं एंगल के हिसाब से? मैंने कहा हमेशा जो एंगल आप डील करें, जैसे आप थीटा डील करें, तो थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा बेटा, थीटा के लिए ये जो थीटा है इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके सामने वाली साइड होगी, यानी इसके लिए जो परपेंडिकुलर का काम कर रही होगी वो कौन कर रही होगी, ए बी, है ना। यहाँ लिख लेते हैं कि फोर थीटा, थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा, वो कौन होगा बेटा, ए बी होगा, है ना, हमेशा सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। और जो बेस होगा, जो बच गई साइड, वो क्या बच गई, बी सी, जो बेस होगा वो बी सी। इसी तरीके से अगर ये ऊपर वाला एंगल की मैं बात करूँ ए की, तो इसके लिए ये क्या होगा बेटा, इसको मैं मान लो फाई बोल देता हूँ, तो फोर फाई जो ऊपर एंगल है, फोर फाई, फाई के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन होगा बेटा, फाई के सामने देखो, बिल्कुल सामने जो परपेंडिकुलर होगा कौन होगा, फोर होगा, बी सी, समझ रहे हैं आप, उसके लिए परपेंडिकुलर होगा बी सी। और इसी प्रकार से फाई के लिए जो बेस होगा, वो क्या होगा बेटा, ए बी। तो ये जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना कि अगर आप एंगल थीटा के साथ डील कर रहे हो तो थीटा के लिए एंगल अलग होगा, सॉरी थीटा के लिए मतलब बेस और परपेंडिकुलर अलग होंगे, और अगर आप फाई के साथ डील कर रहे हो, ऊपर वाले के साथ डील कर रहे हो, तो उसके लिए अलग होंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको, बोलिए, क्या इतना पॉइंट आप सबको क्लियर है, जल्दी बताइए। सबको क्लियर है पक्का? चलो सबको यहां तक के सारा पॉइंट क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये सब इसमें अब कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है। चलो बेटा इसको मैं यहां से इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो जिसमें लिखना हो। चलिए बेटा, ठीक है, एनोटेड भाई ये मेरे को आती नहीं है भेजनी, है ना, और ये वैसे भी डिलीट हो जाता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, लिख लीजिए आप लोगों को ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ एक मिनट वेट कीजिए। चलो बेटा ये देखो, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, है ना, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अगर आप ध्यान से देखें जो डायग्राम हमने बनाया था, बिल्कुल वैसे सही कुछ है इसमें जो बात की गई है, है ना। ये जो सबसे बड़ी साइड है ये हाइपोटेन्यूज है, एंगल ए के लिए, ए के लिए ये वाली साइड क्या काम कर रही होगी, उसका बेस, और ए के लिए जो सामने बन रहा होगा, सामने ये वाली चीज, ये वाली होगी परपेंडिकुलर, ठीक है जी, ए के लिए ये चीज़ होगी परपेंडिकुलर। क्लियर है, आई होप ये बात सबको अब अच्छे से क्लियर होगी होगी, आगे बढ़ना चाहिए, ज़्यादा समय इस पर ख़राब नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, ज़्यादा समय इस पर ख़राब हम नहीं करेंगे। हाँ भाई चलो, अब मैं रेशियोज़ के बारे में आपको बता देता हूँ, ऊपर वाले पेज पे हम लोग कर लेते हैं। ए के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ए के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा डायग्राम में, दोबारा एक बार कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ये आ गई ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल में ये हो गया आपका, इसको बोल दिया बी या ए बोल दो, जैसा मर्जी बंद कर दो, ऐसा कोई खास नाम, ए बी सी ऐसे बोल दिया, ठीक है। तो आप जानते हैं ये एंगल आ जाएगा 90। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके पास कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, है ना, कुल 6, उन 6 के 6 का नाम मैं यहाँ पे एक बार आपके लिए लिख लेता हूँ। पहली होती है साइन, ठीक है, फिर होता है कोसाइन, फिर होता है आपके पास टेंजेंट, फिर होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक है जी, फिर होता है आपके पास सीकेंट, और फिर होता है कोसिकेंट। फिर इधर याद हो ही जाएगा, वैसे तो मुझे उम्मीद है काफ़ी सब बच्चों को याद होगा ही, है ना, क्योंकि आप लोग काफ़ी समय से इनका प्रयोग फिजिक्स में भी कर ही रहे हैं, ठीक है, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट और कोसिकेंट, ठीक है भाई। जैसे ये होती है, अब इनको याद करने का तरीका क्या होता है कि किसके लिए क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए अपन एक ट्रिक लगाते हैं, क्या, पी
BPHHB, है ना। याद करने के अपने अपने तरीके होते हैं, ठीक है। मैं इसको एक बार डायग्राम से पूरा वो कर देता हूँ ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए इसको याद करने में, है ना। एकदम कतई धुआंधार। चलो भाई करते हैं इसको, नाम लिख लेते हैं क्या क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये आपको साइन देता है बेटा, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आपको कोसाइन देता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको टेंजेंट देता है, ठीक है। टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट, कोसाइन का उल्टा होता है सिकेंट, और साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। इसको याद करने के लिए कुछ मतलब वो होती हैं, कुछ बोलते हैं ना उसको, जैसे आप केमिस्ट्री में बोलते हैं कुछ याद, पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए वैसे ही बोलते हैं इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, ऐसा बोल देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद, वैसे तो ये बकवास लगती है मुझे बात, पर ठीक है याद करने में आसानी रहती है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आप इसको जल्दी से याद भी कर लेंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस जब भी आएगा तो आपको साइन देके जाएगा, ठीक है जी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस जब भी आएगा वो साइन देके जाएगा, ऐसे ही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस जब भी आएगा वो कोसाइन देके जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब भी आएगा वो टेंजेंट देके जाएगा। इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं वो मैंने नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है बेटा। क्या आप सबको ये बात क्लियर है, जल्दी बोलिए, क्या ये वाली बात क्लियर है सबको, बोलिए सबको आता है, जल्दी से बताइए। अरे सो तो नहीं रहे, है ना, थोड़ी देर में क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। हाँ सब जागते रहना भाई, चलो गुड गुड, सबको क्लियर है पहले से, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है भाई। यहीं से आप लोग थोड़ा सा बहुत और चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या कहा, साइन जो उल्टा है वो कोसेकेंट का उल्टा होता है, ऐसे ऐसी कोसाइन सेकेंट का होता है। अब आप ध्यान से एक चीज़ और देखिए, अगर मैं ऐसा कर दूँ क्या कि साइन थीटा, कि साइन थीटा मान लो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा कर दूँ, तो ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा अगर कर दूँ तो साइन थीटा क्या है भाई, साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस कट गया तो क्या आ गया, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू थी, ध्यान से देखिए, टेंजेंट की, यानी ये बराबर होते हैं किसके, टेंजेंट के। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट वो बराबर होता है किसके, साइन अपॉन कॉस के, ठीक है जी। टेंजेंट जो होगा वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होगा, ध्यान रखना, क्लियर। साइन टेंजेंट जो होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होगा। चलो अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सबने नोट भी कर लिया होगा। तो अगर मैं बात करूँ भाई, अगर मैं बात करूँ, जैसे हमने एक ट्राइंगल अभी यहाँ कंस्ट्रक्ट की थी, ठीक है, एक ट्राइंगल जब हमने कंस्ट्रक्ट करी थी, दोबारा कर लेते हैं, जैसे एक ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, ए बी सी। मैंने आपसे कहा यहाँ पे एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है बेटा थीटा, ठीक है, मैंने कहा थीटा, ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने सी, के सामने वाली सी, और बी के सामने वाली बी, है ना, ताकि आसान रहे लिखना। मैंने आपसे पूछा बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना, अभी पीछे हमने लिखा ही है, कॉपी में देखते रहो जिसको याद नहीं है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, स्मॉल सी, बोलो, और हाइपोटेन्यूस का काम तो कौन कर रहा है, ट्राइंगल में बी कर रहा है, बोलो, ये बात पॉइंट क्लियर है, साइन थीटा ये हो जाएगा। ऐसे अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है बेटा, क्वेश्चन में जल्दी से बोलिए, क्या बेस आप सबको पता है ए है, और हाइपोटेन्यूस कितना है बी है, बोलिए क्लियर, हाइपोटेन्यूस कितना है बी है। ऐसे बेटा अगर मैं टेंजेंट की बात करूँ, टेंजेंट थीटा की बात करूँ, तो टेंजेंट होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है थीटा के लिए सी, और बेस क्या है ए। उम्मीद करता हूँ ये तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे, और बाकी तीनों तो इन्हीं की रेसिप्रोकल होती है, वो तो लिखी जा सकती है आराम से, तो उस पर मैं आपको ज़्यादा घुमा के नहीं ले जाऊँगा, मेरा काम बस थोड़ा सा ये है ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। जैसे ये वाला एंगल है, इसको अल्फा बोल देते हैं, इसको अल्फा बोल देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साइन अल्फा है, साइन अल्फा डेफिनेशन इसकी भी वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या होने वाला है, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर देखिए क्या ए होने वाला है, उसके सामने वाली साइड, और बेस क्या होने वाला है अल्फा के लिए, सी होने वाला है ना, सॉरी हाइपोटेन्यूस क्या होने वाला है, बी होने वाला है। बोलो जल्दी से क्या ये बात सही है, बोलिए क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको। ऐसे अगर मैं यहाँ पे कॉस अल्फा ले लूँ, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो अल्फा के लिए बेस का काम कौन करेगी, स्मॉल सी, और हाइपोटेन्यूस का काम भी।
ऐसे ही मैं अगर ले लूँ भाई टेन अल्फा, टेन अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या है भाई बोलो, स्मॉल ए, और बेस क्या है भाई सी, बोलो किस किस को क्लियर है। मतलब एंगल के सामने वाली साइड उसके लिए परपेंडिकुलर होगी, इसके लिए अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर, थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर। बोलो ये पॉइंट सबको क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। चलो जिसको स्क्रीनशॉट लेना लेते रहना बेटा साथ के साथ। चलो देखो बेटा है ना, ये पूरा मैं आपको लिखवा चुका हूँ, सारी चीज़ें लिखवा चुका हूँ, ठीक है। इन्होंने बस अंग्रेजी में लिखा है, मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। ये वाला रिलेशन भी मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, ये भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना। इंपॉर्टेंट है ये कि जो टेंजेंट होगा वो बराबर आएगा किसके बेटा, साइन बाय कॉस के, और कोट क्योंकि उसका उल्टा होता है तो कोट किसके बराबर होगा, कॉस बाय साइन के, ठीक है। ये दोनों ही रिलेशन आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, दोनों ही रिलेशन आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा जी वापस आ जाएं। कह रहा है रिमार्क, अब ये एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है क्योंकि अक्सर बच्चे इसको बहुत अलग अलग तरीक़ों से डील करते हैं, है ना। जैसे कि कई बार जो सबसे कॉमन चीज़ मुझे मिलती है जो बच्चे बोलते हैं कि वो बोलते हैं सर ये सिन ए है, सिन ए है ना, सिन, तो बेटा सिन नहीं होता। पहली बात तो इसको बोला जाता है साइन ए, क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया इसकी पूरी स्पेलिंग ये होती है। शॉर्ट फॉर्म में हम सिन ऐसे लिखते हैं, क्लियर है बात ये। दूसरी बात ये कि ये जो लिखा होता है इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि साइन ए का ये मतलब नहीं होता है कि साइन इंटू कुछ ए करके लिखा हुआ है, इसका ये मतलब कतई नहीं है, ठीक है ना, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है जी। इसका केवल इतना मतलब होता है, ऊपर देखिए साइन ए, इसका मतलब क्या होता है, एब्रीवेशन है ये, एब्रीवेशन माने शॉर्ट फॉर्म किस चीज़ के लिए, द साइन ऑफ द एंगल ए, ऐसे बोला जाता है, द साइन ऑफ द एंगल ए, है ना। साइन ए आगे भी लिखा हुआ है, इज नॉट द प्रोडक्ट, ध्यान रखना इज नॉट द प्रोडक्ट, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है। मान लो कल को आपके सामने कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, देखो गलती कहाँ होती है, क्वेश्चन भी आएगा आपके पास, मान लो सॉल्व करके आ गया साइन ए इक्वल टू साइन 30, ऐसा आ गया बेटा कहीं पे, ठीक है। तो बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा गलती ये करता है कि वो साइन से साइन को ऐसे काट के दिखाता है और कहता है सर ए बराबर 30, ए तो 30 के ही बराबर है, लेकिन ये काट के नहीं दिखाना, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बीच में कोई मल्टीप्लाई का निशान है। आपको सिंपल क्या लिखना है, अगर आपके पास ये है साइन ए इक्वल टू साइन 30, तो इसका मतलब सिंपली क्या होगा कि ए इक्वल टू 30, बस ऐसा काट के नहीं दिखाना, ठीक है, क्लियर है बात ये। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बोलो सबको ये वाली बात क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं, ठीक है, अगली कोई ऐसा गलती मत करना इस चीज़ में। चलो आगे बढ़ते हैं, जिसको फोटो वो खींचनी है स्क्रीनशॉट खींच लेना बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, चलो आगे बढ़ते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ बात कर लेंगे बाद में आगे, वेट फॉर अ मिनट। चलो अब ये है, जैसे बात द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी, जो वैल्यू है वो वेरी नहीं होती है विद द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इफ द एंगल रिमेन्स द सेम। देखो मेरे भाई इस बात को कैसे समझना है, उसको ऐसे समझ के चलिए कि अगर ऐसा हो जाए, सुनिएगा ध्यान से, अगर ऐसा हो जाए मैं एक ट्राइंगल आपके सामने पहले कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए जैसे ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मान लीजिए जैसे ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है जी। इस ट्राइंगल में आपने क्या किया, इस ट्राइंगल में आपने इस एंगल को बोल दिया कि ये कोई एंगल आ रहा है थीटा, ठीक है, ये कोई एंगल आ रहा है थीटा। अब आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये एंगल जो थीटा यहाँ कंस्ट्रक्ट हुआ, आपने इस ट्राइंगल को ना थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, जैसे आपने क्या किया इस साइड को आगे बढ़ा दिया, ऐसे ये ऐसे आगे की ओर बढ़ा दी, है ना, तो इस वाली को भी आगे की ओर बढ़ा दिया, ऐसे जो बड़े वाली है ना इसको भी आगे बढ़ा दिया, और ये वाली जो चीज़ है ये भी आपके पास आगे बढ़ गई ऐसे। तो अब जो बड़ी ट्राइंगल आ गई आपके पास कौन सी आ गई, ए बी सी, ये जो बड़ी ट्राइंगल, और छोटी वाली कौन सी थी, मान लो पी क्यू सी, तो थीटा की वैल्यू अब भी वही रहने वाली है ना, साइड्स के बढ़ने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ रहे हैं बात, ये थीटा की वैल्यू अब भी वही आने वाली है, थीटा की वैल्यू कॉन्स्टेंट ही होती है। मान लो अगर कहीं पे आपको ये आ गया कि थीटा 30 डिग्री है
है ना। तो इस पे जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी ना, साइन 30 डिग्री, वो हमेशा क्या आती है बेटा, 1/2 आती है। कब कैसे आती है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन होगा क्या, हमेशा 1/2 आएगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी छोटी ट्राइंगल में तो ये वैल्यू 1/2 है और किसी बड़ी ट्राइंगल में सर क्या ये वैल्यू 2/3 हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। हमेशा थीटा की वैल्यू जो फिक्स हो गई है वही उसके अकॉर्डिंग वैल्यू दे रहा होगा। सिंपल इतनी बात ये इसमें आपसे कहना चाह रहा है, ठीक है। कुछ भी ऐसा कोई खास वैसा नहीं है, है ना, समझने वाली बात है थोड़ी सी। करते हैं आगे इसको। हाँ बेटा, अब इस बात को भी समझ लीजिए थोड़ा सा, ये भी अच्छा है पॉइंट, कि फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, कई बार ऐसा होगा कि अगर आपको ऐसा दे रखा है कि साइन ए इस पूरे का स्क्वायर दे रखा है बेटा, साइन ए इस पूरे का स्क्वायर दे रखा है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर को आप यहाँ ला सकते हैं। और ये बात समझ लेना कि ये चीज़ और साइन ए का स्क्वायर ये अलग बात है बेटा, है ना। एंगल का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पूरे साइन ए का स्क्वायर हो रहा है, तो ये दोनों अलग बातें हैं, क्लियर है। आप इस चीज़ को ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक है। बट इस चीज़ को आप कभी भी ऐसा ना जोड़ के देखें, इस चीज़ को कभी भी ऐसा जोड़ के ना देखें कि इनवर्स में भी ये बात सही होगी। जैसे ये होता है ना साइन ए और इसकी पावर अगर -1 दे रखी है, तो इसको बिल्कुल ऐसा नहीं बोला जाता साइन इनवर्स ए, ये अलग चीज़ होती है, ठीक है। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल अलग चीज़ होती है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। बोल रखा ना विल बी डिस्कस इन हायर क्लास, तो 12th क्लास में आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं होता, इनवर्स में ये चीज़ें लागू नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। चलो बेटा आगे बढ़ रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया थीटा यूज करते हैं हम लोग एंगल के लिए, है ना, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम। देखो बेटा क्या कह रहा है, इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी जिसके अंदर जो साइन ए है वो कितना है बेटा, 1/3। साइन ए कितना है, 1/3। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, साइन ए 1/3 होने का मतलब, साइन आपकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, साइन की डेफिनेशन थी बेटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उम्मीद है सबको याद होगी। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो 1:3 है। तो आप परपेंडिकुलर को क्या मानते हो बेटा, आपको याद होगा बचपन में मानते थे क्या 1x, ऐसे मान सकते थे ना जब रेशियो दी होती थी, और हाइपोटेन्यूज को मानते थे क्या 3x। समझ रहे बात, ये कभी भी ऐसा मत सोचना कि परपेंडिकुलर की वैल्यू एग्जैक्ट 1 ही होगी और हाइपोटेन्यूज 3 ही होगा, ऐसा नहीं होगा। ये रेशियो दे रखी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो परपेंडिकुलर 2 रहा हो और ये 6 रहा हो, क्योंकि कट के 1/3 आया हो, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग रेशियो में हमेशा क्या मानते हैं कि परपेंडिकुलर रहा होगा 1x और हाइपोटेन्यूज रहा होगा 3x। या जैसे इन्होंने क्वेश्चन में माना है, इन्होंने क्वेश्चन में क्या माना है उसको, इन्होंने क्वेश्चन में माना है के और 1k और 3k के टर्म्स में। अब मान लो आपको ये चीज़ दे रखी है ना, आपके पास ये आ गया के, ये आ गया 3k, तो आप लोग बड़े आराम से बेस निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो निकाल सकते हो ना, बेस कितना आ जाएगा, 9k² - k² हो जाएगा 8k², उसका रूट आ जाएगा 2√2k। बोलो किस किस को तेजी से ये बात समझ आ गई, क्या आपको समझ में आई, जल्दी बताइए किस किस को तेजी से ये वाली बात समझ में आ गई। पाइथागोरस लगा के मैंने ये वैल्यू निकाली है, पाइथागोरस लगा के मैंने ये वैल्यू निकाल दी है, बोलिए क्या आपको क्लियर है। चलिए वेरी गुड, सबको क्लियर है, बहुत अच्छा, गुड 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 गुड। चलो तो यानी अगर आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है बेटा क्वेश्चन में, कोई भी एक गिवन है ना, चाहे कुछ भी गिवन हो, मान लो आपको इसी क्वेश्चन में मान लो ऐसा गिवन होता कि मान लो कॉस थीटा दे रखा है भाई 2/5, ऐसा गिवन है, तो आप क्या करते हैं, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस को क्या मान लेते हैं 2x, और हाइपोटेन्यूज को क्या मान लेते बेटा, हाइपोटेन्यूज को मान लेते 5x। तो उसके जरिए आप ये चीज निकाल लेते। यानी अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको गिवन है, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है, तो आप ट्राइंगल की तीनों साइड तक बड़े आराम से पहुंच सकते हो, ठीक है, ट्राइंगल की तीनों साइड तक आप पहुंच सकते हो, उस रेशियो में तो पहुंच ही सकते हो, एग्जैक्ट पे ना पहुंचो लेकिन रेशियो में तो पहुंच ही सकते हो, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है पूरा, है ना, इसमें कोई अलग से बात नहीं है। ये देख लो बेटा, देखो ध्यान से क्या कह रहा है, सिंस द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट ट्राइंगल, द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए इज ऑलवेज लेस देन 1। अरे वाह, ये शानदार पॉइंट है ना। हालांकि इस पॉइंट से और भी चीज़ें बाहर बाद में आती हैं, पर फिलहाल हम इतने पे ही देखते हैं कि आपको ये पता चल गया कि साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये ध्यान से सुनना बेटा। अब आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज जो है ये नीचे, ये लॉन्गेस्ट साइड है बेटा, लॉन्गेस्ट साइड है, तो ऑफकोर्स ऐसा होगा कि ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेन्यूज से तो छोटा ही होगा भाई,
परपेंडिकुलर जो होगा वो किससे छोटा होगा बेटा, हाइपोटेन्यूज से तो छोटा ही होगा। तो यानी कि जो फ्रैक्शन है इसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता तो फ्रैक्शन की वैल्यू कैसी आती है बेटा, लेस देन वन आती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा भी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस भी तो हाइपोटेन्यूज से छोटा ही होगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा ये हमेशा दोनों वैल्यूज कैसी रहती है बेटा, लेस देन वन ही आती है। यानी कल को कोई आपको मार्केट में बोल दे कि भाई साइन थीटा देख तुझे अगर टू दे दूँ तो क्या करेगा, तो आप क्या कहोगे कि बेटा ये तो पॉसिबल नहीं है कि साइन थीटा की वैल्यू वन से बड़ी आ ही नहीं सकती है। मतलब अगर कोई ये भी कह दे ना कि साइन थीटा की वैल्यू 1.1 है तो ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है, साइन थीटा या कॉस थीटा कभी भी वन से बड़े नहीं हो सकते। सबको ये बात क्लियर है बेटा, जल्दी बोलो क्या आप सबको ये बात क्लियर है। हाँ जी एवरीबडी, रिप्लाई दो यार, सो तो नहीं गए, जल्दी जल्दी बताओ सारे, जल्दी जल्दी सबके रिप्लाई है ना। हाँ वन हो सकती है बेटा, लेकिन ट्राइंगल में अभी हम बात करें ना, ट्राइंगल में बात करें वन हो सकती है, बिल्कुल वन हो सकती है, ये इक्वल टू हो सकता है, जैसे इसने बोले ना और इन पर्टिकुलर इक्वल टू वन, वन हो सकती है। मैं इसी पॉइंट पे आपको अब आगे लेके आना चाह रहा था कि अब ये बात तो होती है जब हम एक ट्राइंगल के अंदर देख रहे हैं, लेकिन दुनिया ट्राइंगल में तो नहीं सिमटी है ना, ऐसा तो है नहीं कि केवल ट्राइंगल ट्राइंगल है दुनिया में। आगे चलकर आप धीरे धीरे क्या सीखेंगे, आप धीरे धीरे ये भी सीखेंगे, मैं आपको भी लिखवा देता हूँ ये पॉइंट, आप लोग भी लिख लीजिए कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके 1 तक होती है। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू भी कहाँ तक होती है बेटा, -1 से लेके 1 तक होती है। इस बात को आप सब नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, एक अच्छे से डब्बे में बना के और इम्पोर्टेंट लिख के, है ना, इम्पोर्टेंट लिख के। क्लियर है, क्योंकि हम लोग अभी ट्राइंगल में डील कर रहे हैं तो ट्राइंगल में साइड्स नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो रेशियो नेगेटिव आएगा नहीं, ठीक है। इसलिए कभी भी इसमें ट्राइंगल में मैं आपको ये वैल्यू नहीं दिखा पाऊंगा कि नेगेटिव कैसे आ रहा है, लेकिन आगे चल के जैसे हम सीखेंगे, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, तो मैं उसमें आपको ये भी दिखा दूंगा कि साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, -1 कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, हर चीज के पीछे कारण होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मारना पड़ेगा, हर चीज के पीछे कारण होगा, पर फिलहाल फिलहाल क्योंकि जब ये बात उठी गई थी कि साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं जा सकता, तो आप लोग मुझे लगता है ये बात याद करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। क्या सबने नोट कर लिया, जल्दी बताइए क्या सबने ये बात नोट कर ली कि साइन थीटा हमेशा -1 से 1 रहेगा और कॉस थीटा भी -1 से 1 रहेगा। ये रेंज याद रखना बहुत जरूरी है बेटा, है ना, बाद में कोई भूले ना इस चीज को। आगे बढ़ रहा हूं मैं, चलो बेटा जी अब ये क्वेश्चन आ गए, यहां से आपके पास एक्सरसाइज जो स्टार्ट हो गई है इसको करना शुरू करते हैं ना। एक दो दिन आपको पुराना काम ही रिवाइज करना पड़ रहा है मैं जानता हूँ, क्योंकि ये काम हम पहले कर चुके हैं, आप लोगों ने वीडियोस देखी ली होंगी ट्रिगनों की, पर कोई बात नहीं, हमें शुरू से ही करना ताकि क्लास एक पूरे उसमें चले ना टेंडम में। चलो सॉल्व करते हैं बेटा। कह रहा है टेन ए इज इक्वल टू 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल ए। ध्यान से सुनिएगा, टेंजेंट ए आपको गिवन है बेटा, कितना गिवन है बेटा 4/3। तो टेंजेंट आप जानते हैं क्या होता है बेटा, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। ये आप लोग टेबल में देखते रहे जिसको याद नहीं है ना, ऐसा मत समझिएगा कि एकदम से सर कैसे याद होंगी, धीरे धीरे याद हो जाएंगी, जिसको याद नहीं है बाकियों को याद होगा ही, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। टेंजेंट ए आपको दे रखा है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि सर परपेंडिकुलर तो मान लो आप 4x और बेस को मान लो आप 3x, ठीक है सर, ऐसा मान लो। मैंने कहा ठीक है, ट्राइंगल एक बना के भी देख लो, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल बना के देखो। तो क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर मान लो ए यहाँ पर है बेटा, है ना, ए यहाँ मान लिया, बी यहाँ मान लिया, सी यहाँ मान लिया, तो परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर है ये हो गया 4x और बेस हो जाएगा ये 3x। तो आप हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं सभी बच्चे, जल्दी से बताइए कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूस बताइए जल्दी से कितना आएगा, क्या 5x आ जाएगा, बोलिए क्या 5x आ जाएगा, बस आ गया। अब आसान है, अगर आपको अब साइन निकालना है साइन ए, तो साइन क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर इज 4x, हाइपोटेन्यूस इज 5x, x से x कट गया तो साइन की वैल्यू आ गई 4/5। अगर साइन पता चल गया तो साइन का रेसिप्रोकल याद रखिए, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, तो वो कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट, उसकी 5/4 हो जाएगी। ऐसे ही आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप जानते हैं कॉस क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो अगर कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बेस आपका था कितना 3x, हाइपोटेन्यूस आ गया 5x, x से x कट गया, कॉस की वैल्यू आ गई 3/5, कॉस का उल्टा, उल्टा होता है सीकेंट, सीकेंट को क्या बोलेंगे अपन 5/3, इसका उल्टा कर देंगे, सही बात है क्या, कॉस का उल्टा कर देंगे। और ऐसी टेंजेंट आपको दे ही रखा था, तो कॉट तो उसका ही उल्टा होता है टेंजेंट का, कॉट किसका उल्टा होता है टेंजेंट का, टेंजेंट कितना था 4/3, तो कॉट हो जाएगा 3/4। क्या पांचों आपको क्लियर है बेटा, जल्दी से बताइए, अब आप निकाल सकते हैं खुद ही, बोलिए क्या आप सब निकाल सकते हैं खुद ही, किसी को तकलीफ तो नहीं है, पक्का
चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर। कॉस की वैल्यू 5/4, कोसिकेंट है बेटा ये, कॉस नहीं है, है ना, ये कोसिकेंट है, कॉस नहीं है बेटा, लव ये कोसिकेंट लिखा हुआ है, दोनों में फर्क समझिए, एक होता है कॉस ए, है ना, एक होता है कोसिकेंट, दोनों अलग अलग है। ठीक है, कॉस की वैल्यू तो देख यहाँ पर आई है, 1 से छोटी ही है, ठीक है, कोसिकेंट 1 से बड़ा होता है। ठीक है, क्लियर, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा ये अगला क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यू, साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यू। चलो एक ट्राइंगल बना ही लेते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। ठीक है, जैसे एक ट्राइंगल बना ही लेते हैं अपन, बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो बना लेते हैं, बना लेते हैं, बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया हमारे पास, ये ए मान लेते हैं राइट एंगल पे, बी और क्यू तो हमें एक्यूट दिखाने, तो ये बी आ गया और ये क्या आ गया बेटा, क्यू आ गया। उसने ऐसा तो मेंशन किया नहीं कि अलग अलग ट्राइंगल होने चाहिए, है ना, हम एक ही ट्राइंगल में पहले लेके देखते हैं, एक ही ट्राइंगल में पहले लेके देखते हैं बेटा। ठीक है, तो ये बी आ गया और ये क्यू आ गया। ठीक है बेटा, चलो अब क्या कह रहा है कि साइन ऑफ बी, इस एंगल का साइन, अगर मैं साइन ऑफ बी बोल रहा है कि किसके बराबर है, साइन ऑफ क्यू के। अब आप ध्यान से देखिए, साइन तो होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी के लिए अगर आप परपेंडिकुलर देखोगे, बी बी के लिए, तो बी के लिए परपेंडिकुलर होने वाला है ए क्यू, और हाइपोटेन्यूज तो होने वाला है क्या, बी क्यू। उम्मीद करता हूँ सबको ये पॉइंट क्लियर होगा। ऐसे ही अगर आप क्यू के लिए देखेंगे, ये रहा क्यू ऊपर, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा इसके सामने वाली साइड यानी ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो इसके लिए भी क्या रहने वाला है, बी क्यू। हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता नहीं किसी के लिए, है ना, वो तो वही रहेगा। आप दोनों साइड बी क्यू से बी क्यू काट दीजिए, तो क्या आ गया आपके पास, ए क्यू बराबर आ गया ए बी। बोलो सही बात है, ये जो ए क्यू है वो किसके बराबर आ गया, ए पी के बराबर आ गया। अगर दोनों साइड बराबर है तो सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, हैंस प्रूव। किस किस को क्वेश्चन क्लियर है जल्दी बोलो। ठीक है, किस किस को क्वेश्चन क्लियर है जल्दी बताइए। पक्का, बिल्कुल, 45 डिग्री भी हो जाएंगे साथ साथ। लेकिन 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 अब एक बात ध्यान से सुनना, ये तो था जब मैंने दोनों एंगल एक ही ट्राइंगल में ले लिया आए थे, लेकिन अगर ऐसा हो कि दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स के एंगल हो तब कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स के एंगल हो, ध्यान से देखना, मैं दो अलग अलग ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ यहाँ पे, ताकि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों अलग अलग ट्राइंगल के एंगल हो, जरूरी थोड़ी है एक ही के हों। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया बी, यहाँ ले लेते हैं ए, यहाँ ले लेते हैं सी। ऐसे ये हो गया आपका बी के बराबर, क्या बोला, क्यू, यहाँ लेते हैं पी और यहाँ लेते हैं आर। अब क्या हो गया कि, ठीक है ना, दो अलग अलग ट्राइंगल ले लिया मैंने, अब देखते हैं क्या आता है, अब देखते हैं क्या आता है, ध्यान से देखिए। साइन ऑफ बी इज इक्वल टू बोल रहा है साइन ऑफ क्यू के, ये आपको गिवन है बेटा। ठीक है, ये आपको गिवन है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक बात देखो, साइन ऑफ बी अगर मैं निकालूँ, साइन ऑफ बी, तो वो आएगा कितना बेटा, साइन ऑफ बी इज ए सी अपॉन बी सी। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये बात क्लियर होगी कैसे आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे साइन ऑफ क्यू अगर मैं निकालूं बेटा, तो वो आएगा पी आर अपॉन पी आर अपॉन क्यू आर। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट भी सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बोलो क्या क्लियर है ये बात, हाँ जी, क्या ये पॉइंट क्लियर है आप सबको, यानी ये चीज़ आपको गिवन है, ये तो क्या था आपको, गिवन था, ये चीज़ गिवन था, ये रेशो बराबर है। अब किसी चीज़ के तो बराबर होंगे ही रेशो, मैंने बोल दिया चलो के बराबर है भाई, किसी चीज़ के बराबर है तो क्या बोल दिया कि सर के बराबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, के बराबर अपन बोल सकते हैं। चलो अगर ये के बराबर है तो आप यहाँ से बोल सकते हो पहले वाले को बराबर देख के कि ए सी जो है वो आ रहा है के टाइम्स ऑफ बी सी। बोलो सही बात है, ए सी जो है वो आ रहा है के टाइम्स ऑफ बी सी। और इसी तरीके से, इसी तरीके से, इसी तरीके से आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो पी आर है वो आ रहा है के टाइम्स ऑफ क्यू आर। क्या मैंने सही लिखा है जल्दी बोलिए, पी आर है वो आ रहा है के टाइम्स ऑफ क्यू आर, जल्दी बोलिए, क्या इसमें कोई दिक्कत है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी पक्का। अब जो दो साइड हमने छोड़ दी, अभी तो दो साइड यूज हुई, एक तो ए सी एक बी सी, यहाँ पे क्या हुआ पी आर क्यू आर, तो क्या बचा, ए बी बचा।
अगर आप ए बी की वैल्यू को ध्यान से देखें तो इसे लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ ए बी की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगी बेटा, अंडर रूट ऑफ क्या आएगी बोलो, बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं पी क्यू की बात करूँ, पी क्यू की वैल्यू, तो अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगी बेटा, क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट सबको क्लियर होगा कि बी सी की वैल्यू हम ऐसे ला सकते हैं और इसकी वैल्यू भी हम ऐसे ला सकते हैं, ठीक है, क्लियर, बोलो जल्दी से, पक्का। अब इस चीज़ को थोड़ा और ध्यान से देखना, अब इस चीज़ को थोड़ा और ध्यान से देखना, मैं ऊपर थोड़ा चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको, मैं ऊपर यहाँ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं क्वेश्चन को इक्वल बना पाऊँ। देखो ध्यान से, मैंने कहा आप यहाँ से ऐसा भी तो लिख सकते हो कि पी आर यहाँ नीचे ले आओ, बराबर तो है ही, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बोलो लिख सकते हो कि नहीं, इसे के बराबर बोल सकता हूँ भाई, पी आर को मैं यहाँ नीचे ले आया और बोलो इसे के बराबर बोल देता हूँ, पहले इस वाले को चाहे इरेज ही कर दो, पहले वाले को के नहीं, इस वाले को के बोल देता हूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाए। ए सी पी आर को मैं ए सी के नीचे ले आया और बी सी को मैं क्यू आर के ऊपर ले आया, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो, ए सी की वैल्यू वो आ रही है कितनी, के इंटू में पी आर, और बी सी की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो वो आ रही है के इंटू में क्यू आर। अब ये जो वैल्यू जो आई है ए सी और बी सी की, ये उठा के बेटा मैं कहाँ लेके जाने वाला हूँ, देखना ध्यान से, यहाँ डालूंगा। तो आप ए बी की वैल्यू को देखना क्या आने वाली है, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी सी की जगह डाल दिया के इंटू में क्यू आर, यानी के स्क्वेयर और क्यू आर का स्क्वेयर माइनस ए सी की जगह आ गया के स्क्वेयर और पी आर का स्क्वेयर। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर, के स्क्वेयर बाहर कॉमन लूंगा तो के आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा कितना बोलो, के आ गया कॉमन तो क्यू आर का स्क्वेयर माइनस पी आर का स्क्वेयर, बोलो सही बात है क्या ये, बोलो ए बी की वैल्यू किस किस को समझ में आई जो मैंने निकाली है, जल्दी से बोलो आप में से किस किस को ए बी की वैल्यू समझ में आएगी जो मैंने निकाली है, क्या आप सबको समझ में आई कि ए बी की वैल्यू कैसे आई। हाँ जी, अब आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि अगर मैं ऐसा करूं, देखना अगर मैं ऐसा करूं कि ए बी को पी क्यू से डिवाइड करूं तो बोलो क्या आने वाला है, ए बी को पी क्यू से डिवाइड करूं तो क्या आने वाला है, बस मुझे ये बताओ, दोनों देख लो ए बी कहाँ और पी क्यू कहाँ, क्वेश्चन में आप ढूंढो क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ। ये रहा ए बी जो मैंने अभी निकाला है, ये रहा ए बी जो मैंने अभी निकाला और ये रहा पी क्यू जो मैंने पहले निकाला था, अगर दोनों को डिवाइड करूँ तो क्या आ रहा है, जल्दी से बोलो, क्या के नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि ये चीज़ तो इससे कटी जाएगी, के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यानी कि जो तीसरी साइड है वो भी आ गई यहाँ पर, के बराबर क्या ए बी अपॉन पी क्यू, जल्दी से बोलिए, पहले दो साइड तो हमने करी दी थी जो गिवन था, हमने तीसरी साइड भी ला के दिखा दी, और अगर दो ट्राइंगल की सभी साइड्स का रेशियो बराबर आए, अगर दो ट्राइंगल की साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, यानी कि ए सी ए सी के नीचे कौन आया पी आर, फिर बी सी बी सी के नीचे कौन आया क्यू आर, फिर ए बी ए बी के नीचे कौन आया पी क्यू, अगर ये तीनों साइड्स का रेशियो बराबर आता है बेटा, किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों साइड्स का रेशियो बराबर आता है तो क्या कहा जाता है कि तीनों जो सॉरी दोनों ट्राइंगल में अगर तीनों साइड्स का रेशियो बराबर आता है तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, उसे कहा जाता है कि ट्राइंगल ट्राइंगल बी ए सी इज ए सिमिलर बेटा, इक्विलेटरल नहीं, इज ए सिमिलर। अभी आपने कॉन्ग्रेंसी पढ़ी है ना, आप लोगों ने तो नाइन्थ क्लास में कॉन्ग्रेंसी पढ़ी है, टेंथ क्लास में आती है सिमिलरिटी, है ना, चैप्टर है आपका सेवन्थ चैप्टर शायद, तो वो आप जब पढ़ेंगे उसके बाद और क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे उम्मीद है कि आप इतनी डेफिनेशन से समझ जाएंगे कि अगर कभी भी ऐसा हो कि दो साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड, दो ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर बराबर है, दो ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यानी परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर ये रेशियो बराबर आ गया तो हम क्या बोलते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर ट्राइंगल्स में हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि बी बराबर होगा किसके, क्यू के, यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। बोलो किस किस को ये वाला बात क्लियर है कि अगर दो अलग अलग ट्राइंगल में हमें प्रूफ करना हो तो ऐसे हो जाएगा, एक वाला तो बहुत सिंपल था देखो, लेकिन दो वाला देखा क्लियर हुआ क्या नहीं, कैलकुलेटिव था लेकिन मजे वाला क्वेश्चन है, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जल्दी बताइए एवरीबॉडी क्या आप सबको क्लियर है, जल्दी बताइए पक्का, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसने लेना हो, यह आपका अगला क्वेश्चन है बेटा, नजर आ रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कंसीडर ट्राइंगल, कंसीडर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बेटा, ए सी बी, ए सी बी आपके सामने नजर आ रहा होगा आप सबको, ए सी बी के अंदर राइट एंगल एट सी है, यहाँ सी पे 90 डिग्री बन रहा है बेटा, इन विच ए बी आपको दे रखे ए सी बी सी दे रखे ए बी सी, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चलो बेटा जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना, वैसे तो इसकी वैल्यू वन होती है ना, ये आइडेंटिटी होती है, आप आगे चल के पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू वन, ये हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, वन के बराबर होता है, ठीक है,
पर फिलहाल फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, फिलहाल हम देखेंगे कैसे। देखो ध्यान से, मुझे बताना आप लोग, मुझे बताना आप लोग, पहले तो ये वाली साइड बताओ ये कितनी आएगी, पाइथागोरस से ये वाली साइड बताओ, ये वाली साइड कितनी आएगी, एवरीबडी जल्दी से बता दो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और ये वाली साइड बताओ, बताओ जल्दी से, कैलकुलेटिव कैलकुलेशन करो करो करो, कैलकुलेशन करो करो करो। कैलकुलेशन करो भाई जल्दी से, क्या 20 आ रही है, जल्दी बोलिए, क्या ये वाली साइड 20 आ रही है, सबको पता चल रहा है 20 आ रही है, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलो ये वाली साइड आ गई 20। अब कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, तो आप जानते हैं कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के लिए बेस आने वाला है 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज आने वाला है कितना भाई 29, तो इसका स्क्वेयर प्लस साइन थीटा, साइन थीटा कितना बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 20 अपॉन 29 का स्क्वेयर। जैसे ही आप इन दोनों के स्क्वेयर को जोड़ोगे बेटा आपको दिख जाएगा आंसर इज 1। जल्दी से वेरीफाई कर लो क्या मैंने सही बोला या नहीं बोला, जल्दी से वेरीफाई कर लो क्या मैंने सही बोला या नहीं बोला, एवरीबडी वेरीफाई करके पता चल रहा है ना, सॉल्व कर लोगे, स्क्वेयर कर लोगे, खुद कर लोगे, चलो बहुत अच्छा। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 21 अपॉन 29 का स्क्वेयर माइनस यहाँ आ जाएगा 20 अपॉन 29 का स्क्वेयर। ठीक है बेटा, कर लोगे इस चीज़ को भी, सिंपल ही है, कोई खास ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तो आप ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर भी लगा सकते हो ताकि थोड़ा और आसान हो जाए, है ना, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। गौरव राज ने आंसर भेजा है, बाकी बच्चे वेरीफाई करो क्या 41 अपॉन 841 आ रहा है, जल्दी बोलो, बाकी भी एक दो बच्चे वेरीफाई करो सॉल्व करके जल्दी से, क्या यही आ रहा है, पक्का पक्का यही आ रहा है, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा फिर, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि इन आ राइट ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, इफ टेन ए इक्वल टू 1 देन वेरीफाई डैट कि 2 sin A cos A, क्या ये 1 के बराबर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो अभी ये देखो, अभी कई बच्चों के मन में क्या आ रहा होगा कि सर टेन ए अगर 1 है तो A 45 होगा, जिसको याद है पहले से उसको तो याद होगा, लेकिन अभी आपने एंगल्स के बारे में नहीं पढ़ा कि कौन सी वैल्यू किस एंगल पे आती है, अभी नहीं पढ़ा है, तो अभी उसका प्रयोग भी नहीं करना है, उसका प्रयोग किए बिना आपको प्रूफ करना है, उसका प्रयोग किए बिना आपको प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, उसका प्रयोग किए बिना आपको प्रूफ करना है, जैसे क्या दे रखा है टेन ए इज इक्वल टू 1, तो टेन आपको याद है बेटा क्या होता था, क्या आप सबको याद है, टेन होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1, तो यानी कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस, क्या ये बात सबको क्लियर है कि टेन ए अगर 1 आ रहा है इसका मतलब परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस है। जल्दी बोलिए, बोलिए जल्दी से, बोलो यार। अब हमें क्या प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि 2 sin A cos A किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर, तो 2 sin A क्या होता था बेटा, साइन ए क्या याद है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता था, याद होगा, बिल्कुल याद होगा, ऐसे ही बेस कॉस क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता था, सही बात है, यही आता था, तो 2 × में परपेंडिकुलर बेस तो सेम ही है, तो उसके उसके बदले में आप कोई एक चीज़ लिख सकते हो, बोलो जल्दी से, परपेंडिकुलर और बेस क्या ये सेम है एवरीबडी, कि परपेंडिकुलर और बेस क्या आ रहे हैं बेटा आपके, सेम आ रहे हैं, ट्राइंगल पे देख लो ना, अरे यार ट्राइंगल बना के देख लो, क्या दिक्कत है ना, ऐसे बना के देख लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जल्दी से बोलो, ये आ गया ए, ये आ गया बी, अच्छा ए पे तो आपको बनाना है, चलो ए ऊपर ही रख लो, ए बी सी ऐसे बना लिया। ठीक है, टेन ए 1 आने का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा ये वाली चीज़ बी सी, और बेस क्या होगा ये। ठीक है भाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जल्दी से बोलो, अगर परपेंडिकुलर और बेस बराबर ही है, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जल्दी से बोलिए कैसे लिखा जा सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जल्दी से बोलिए, बोलो यार रिप्लाई तो दो, बोलो 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 बोलो, हाँ बिल्कुल से। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको परपेंडिकुलर अपॉन, कैसे निकालोगे जल्दी बोलो, एक काम आपने देख लिया कि ये और ये अगर बराबर है, बराबर में क्या मान लो, मान लो ये चीज़ कितनी है ए है, तो ये भी कितनी होगी ए होगी, बोलो सही बात है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस से निकाल के देखो √2a आ जाएगी, सही बात है √2a आ जाएगी। अब वैल्यू डाल दो यहाँ पे बस इनकी, 2 × में परपेंडिकुलर आ गया कितना, परपेंडिकुलर ए, हाइपोटेन्यूस आ गया √2a, इसका स्क्वेयर है ए से ए कट गया, 1/√2 का स्क्वेयर 1/2, तो 2 × 1/2 कितना होगा भाई, बोलो क्या 1 होगा, क्या वेरीफाई हो गया या नहीं हो गया, जल्दी बताओ एवरीबडी, क्या ये वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ,
बोलो यार।